हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे मॉड्यूल आइंस क्लास सिक्स का टेस्ट डाइन डॉयज और ये जो सेक्शन है आप ही की बुक से लिया गया है ये आपकी अगर मैं बताऊं तो ये आपकी बुक है टेक्स्ट बुक ओके okay, यस yes, टेक्स्ट बुक से लिया गया है और आपको जल्दी से इमेज दिखा देती हूं तो इस इमेज को आप शायद पहचान रहे होंगे ये आपकी बुक में ही है जब हम मॉड्यूल वन ख़त्म कर लेंगे क्लास सिक्स के लिए तो उसके बाद हम अपने आप को जज करेंगे कि हमें कितना आता है और ये एक तरीके से आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है तो इसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने कम समय में हम लोग ये इसे कर पाते हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है नोटियर नंबर आयस नंबर आइंस है नूटियर फिफ्थ फैमिलियन वर्टर मिट आर्टिकल हमें फैमिलियन वर्टर लिखने हैं यानी कि फैमिली वर्ड्स फैमिली में जो भी हमारे आ, आ, मेंबर्स हैं या फैमिली से जुड़े हुए शब्दों को हमको लिखना है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है डे फादर यानी कि पापा फादर उसके बाद आता है डी मूटर फिर आता है डी श्वेष्टर यानी कि बहन वेरी गुड <laughs> उसके बाद आता है डिया बूडा यानी कि भाई और उसके बाद हम लोग सकते हैं लिख सकते हैं आ, अंकल ठीक है अंकल हो गया हमारे जैसे मामा जी या अंकल जी हो जाते हैं राइट तो ये हमारे हैं पांच फमीलियन वर्टर ये हो जाएंगे हमारे फिनफ फिलियन Wörter ठीक है Wörter हमारा plural है, right. उसके बाद आते हैं हम नंबर जय पे नंबर ज्वाई क्वेश्चन है आपका नोटियर फूंफ deutsche फॉर नामन इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ नोटियर फून्फ deutsche फॉर नामन उन्ट फुनफ डोच स्टेडट फूनफ डोच फॉर नामन फॉर नामन यानी कि पहले नाम जो हमारे फर्स्ट नेम होते हैं पांच आपको बताने हैं अगेन तो अगर मैं फॉर नामन की बात करूं फॉर नामन ना वी कैन कन श्राइबन वी कैन राइट वनन व्या श्राइबन हम क्या लिख सकते हैं जैसे कि टोबियास तो टोबियास तो हो सकता है एक नाम और हम लोग लिख सकते हैं शिफान ठीक है उसके बाद हम लोग सीख सकते हैं टीना आप ही बताइए कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और हमने इसमें कौन कौन से और फॉर नामन में आप कुछ भी लिख सकते हैं आप राहुल लिख सकते हैं बट ओके आप इसमें राहुल लिख सकते हैं या आप इसमें आप लिख सकते हैं राधा ओके फोन नामन यानी कि पहले नाम आपको लिखने हैं ठीक है इसमें सिर्फ लिखा हुआ फ़ुन्फ़ डॉइचे फोर नामन ये देखिए हाईलाइटेड है फोर नामन ओके और फ़ुन्फ़ डॉइचे स्टेड्ड फ़ुन्फ़ डॉइचे स्टेड्ड 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 का मतलब होता है आपकी सिटीज़ uh, कौन-कौन से शहर हैं आपके शहर ठीक है तो सिटीज़ में सबसे पहले आप लिख सकते हैं म्यूनशन ये हमने काफ़ी बार अपने वीडियोस में पढ़ा है, है म्यूनशन लिख, लिख सकते हैं आप इसमें हमबूर्ग लिख सकते हैं हमबूअ या आप इसमें लिख सकते हैं बर्लिन ठीक है ये भी एक सिटी है जर्मनी की और क्या लिख सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं ड्यूसल ड्यूसिल अगेन एक सिटी है और एक और हमको लिखनी है फ्रैंकफोर्ट जो लोग इसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ तो ये सारा का सारा मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आपकी सब जो भी कंटेंट है सब आपके बुक के अंदर से ही है ओके सो डोंट गेट सरप्राइज कि ये सडनली नेम कहाँ से आ रहे हैं ये सब आपको बताए गए हैं ओके okay. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर द्राय में तो नंबर नुम्ब्राय है वी इस देखिए क्वेश्चन में इन्होंने पूरा नहीं लिखा है खुद से समझना है वी इज क्वेश्चन मार्क वी इज दस इज फ्रागजाइशन दस इज फ्रागजाइशन बिडॉइटेड इसका मतलब है दैट इज क्वेश्चन मार्क नोटियर एडजेक्टिव या नोटियर फ्य एडजेक्टिव जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है नेट ये एक तरीके का एडजेक्टिव है एडजेक्टिव हमने पहले भी पढ़े हैं एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण विशेषण यानी कि ऐसी चीजें जो नाउन की विशेषता बताते हैं जैसे एग्जाम्पल देती हूँ लड़की बहुत खूबसूरत है तो यहाँ पे जो गर्ल है वो ब्यूटिफुल है ओके okay? तो गर्ल हमारा नाउन है और ब्यूटिफुल जो हमारा है हमारा एडजेक्टिव है वी इज सबसे पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को पहले पूरा कर लेते हैं वी इज फॉर एग्जाम्पल वी इज वी इज टीना टीना कैसी है ओके वी इज टीना हाउ इज टीना हाउ इज टीना ओके अब यहाँ पे हमको क्या लिखने हैं टीना के कैरेक्टर्स लिखने हैं कैरेक्टर्स ओके कैरेक्टर्स में टीना अच्छी है बुरी है लेजी है बहुत एक्टिव है बहुत स्ट्रांग है फ्रेंडली है स्पोर्टी है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी है तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं वी इज टीना या फिर वी इज द फाट है ना यहाँ पे कुछ भी आ सकता है वी इज द फाट तो यहीं पे ध्यान रख के आपको इनके कैरेक्टर्स बताने तो एग्जाम एक, में आप क्या लिखेंगे पांच एडजेक्टिव में अगर मैं आपको कहूँ फिर एडजेक्टिव तो उसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखना चाह रही थी के रेक री एन कैरेक्टर रीजियर एन ठीक है थोड़ा लंबा वर्ड है कैरेक्टर रीजियर एन यानी कि चरित्र तो कैरेक्टर्स कैसे कैसे हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हैं वी इज टीना टीना इज टीना इज सेंटेंस में लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ एडजेक्टिव लिख सकते हैं ओके टीना इज नेट टीना बहुत अच्छी है और अगर दूसरी मैं कहूँ टीना इज टीना इज लूस्टिक मानिए टीना जो है बहुत ही मजाकिया है ओके टीना इज अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ओके टीना इज सिंफाथिश सिम टी एच आई एस सी एच या सिम फातिश बहुत ही सिम्फती वाली लड़की है करुणा रखती है ना और अगर मैं इनके नेगेटिव नेके पॉइंट बताऊं ये तो सब क्या है ये प्लस पॉइंट्स हैं न प्लस पॉइंट है अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं अगर मैं इसके नेगेटिव बोलूं तो बोल सकते हैं टीना इज फाउल टीना इज फाउल टीना इज फाउल फाउल यानी कि बहुत ही आलसी है और अगेन टीना इज स्पॉटलिश स्पॉटलिश तो जो स्पॉटलिश है वो प्लस है कि माइनस है स्पॉटलिश है यानी कि प्लस पॉइंट है ठीक है बहुत ही है बहुत एक्टिव है ठीक है ये फाइव है एक और मैं लिख देती हूँ कि टीना इज चलो इस बारी थोड़ा सा नेगेटिव ले, ले लेते हैं लंग वाई ले। टांग वाई लेग लांग वाइल ये अगेन नेगेटिव हो जाएगा है ना फाउल भी नेगेटिव है लांग वाइलिंग का मतलब क्या होता है बोरिंग है बहुत बोरिंग है टीना टीना के साथ अच्छा नहीं लगता रहना है ना तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हो गए हैं चरित्र कि चरित्र कैसा है टीना का और ये सब एडजेक्टिव्स हैं ये टीना को डिफाइन करते हैं टीना यहाँ पे एक लड़की है इसीलिए वो हमारा नाउन है ऑल राइट right. चलिए अब देखते हैं नुमा फियर नुमा फियर है हमारा स्टेल फ्रागन स्टेल फ्रागन ओके तो हमको क्वेश्चन बनाने हैं फ्रागन यानी कि क्वेश्चन स्टेलन मतलब होता है बनाना टू पुटअप टू पुटअप क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन बनाने हमको किसके बारे में टोबियास के बारे में तो टोबियास क्या है देखिए हमारी हम उम्र अगर हम लोग बोलें कि टोबियास एक लड़का ही है तो हम इसके लिए जो है इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल में हम लोग टोबियास के लिए सारा दो के साथ क्वेश्चंस बना सकते हैं ठीक है टोबियास तो दो जो है हमारा हो जाएगा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और क्वेश्चन <coughs> बनेंगे सबसे पहला है एड्रेस address. एड्रेस से मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ वी एस दाइन एड्रेस वी इज़ दाइन एड्रेस है ओके वी इज दाइनी आएगा यहाँ पे क्योंकि अगेन एड्रेस है जो है वो एक लड़की है डी एड्रेस है तो इसका इसका आप ध्यान जरूर रखना एंडिंग चेंज ज़रूर करनी है लड़की है और लड़का है तो उसके हिसाब से फिर वी इज दाइन हो जाएगा ठीक है तो वी इज़ दाइन एड्रेस दू से बन गया हमारा दाइन उसी तरीके से अगर नंबर दो हम लोग देखें नंबर जो आए तो है आल्टर यहाँ पे हमको अब आल्टर पूछना है तो कैसे बनेगा एड्रेस है क्वेश्चन मार्क होगा वी आर्ट बिज दू तुम कितने साल के हो नाय शिष्ट गे शिष्टर यहाँ पे सिबलिंग्स के बारे में बात हो रही है गे शिष्टर यानी कि भाई बहन सिबलिंग्स ओके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो हाज डू गे श्रेष्ठ हजदू गै श्रेष्ठ क्या तुम्हारे सहोदर हैं या क्या तुम्हारे भाई बहन है हजदू श्रेष्ठ ओके तो ये था हमारा नंबर फ्रागन जिसपे हमने बहुत ही क्रिस्प जल्दी जल जल जल्दी से क्वेश्चन फ्रेम किए अट्रेस आल्टर गे श्रेष्ठ ऐसे ही आपको एग्जाम्स में देखना है और फटाफट क्वेश्चन फ्रेम करने हैं ओके अब देखिए नंबर फुनफ आ जाता है नंबर फुनफ में है हमारा स्टेल फ्रागन अगेन हमें क्वेश्चन पुट अप करने है स्टेल फ्रागन फ्राउ बा इस बारी जो है लेडी हैं बड़ी लेडी हैं फ़्राउ बा जैसे मैंने बताया जब भी आप किसी को फ्राउ करके कहते हैं जैसे आप कहो फ्राउ शर्मा फ्राउ वर्मा तो आप इसमें ध्यान रखने की ध्यान रखते हैं कि आप उनको इज्जत दे के बोला रहे हैं ठीक है थीके? तो जर्मन ऐसे ही बात करते हैं लेडीज़ को एड्रेस करने के लिए फ़्राउ बा तो यहाँ पे फ्राउ बावर जो है वो हमारी हो जाएंगी जी यानी कि आप आप करके हम लोग इनसे बात करेंगे इनके लिए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे फ्राउ, बावर, ठीक है जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे सबसे पहला आता है वोन ओट वोन ओट वोन ओट यानी कि रहने की जगह ये देखिए यहाँ पे है ना कहीं बाहर से नहीं है यहीं से पढ़ रही हूं सब वोन ओट वोन ओट हम कैसे बोलेंगे क्वेश्चन की आप कहाँ रहते हैं वो क्वेश्चन बनाने हैं वो वोन ठीक जी, है जी वो वोनन जी क्वेश्चन मार्क है वे फ्रागा है जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन की पोजीशन हमेशा नंबर वन पे होती है वर्ब जो है हमेशा हमारा नंबर टू पे आता है ठीक है नंबर टू पे हमारा वर्ब आएगा और ये कॉन्जुगेट हुआ है जी वोनन या इश वोन जैसे हम लोग कॉन्जुगेशन अगर मैं आपको याद दिलास एयर जी एस वोट वी वोन योट और लास्ट में एक हमारा जी आता है और एक फॉर्मल जी आता है राइट जी यानी कि आप ये हाँ तो हमारा जी हो जाता है और ये जो है ये हमारा हो जाता है आप ये हो जाता है तुम ये हो जाता है आप जी वोहन ठीक है तो ये यही वाला जी है पूरा कॉन्जुगेशन के साथ अगर मैं इसको लूँ तो ये उठ के आपका एग्जैक्टली exactly यहाँ पे आ जाएगा ठीक है आप समझ में आया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ वो वोनन जी आप कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हो वो जी फ्राउ बावर आप कहाँ रहती हैं आप इसके आगे लगा सकते हैं ठीक है वो वोनन जी फ्राओ बावर एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा फ्राउ बावर आगे नहीं भी लगाएंगे तो भी मतलब अपने आप में कंप्लीट है वो वोनजी ये आपका वे है सेकेंड नंबर पे आपका वर्ब है और कंजुगेट हुआ है वो वोनजी आप कहाँ रहती हैं दूसरा अगर हम देखें तो वो है टेलीफोन नंबर टेलीफोन नंबर आर्टिकल क्या होता है इसका इसका आर्टिकल होता है डी टेलीफोन नंबर क्वेश्चन में आ, हमें फिर से वे फ्रागर यूज़ करना है वी ठीक है वी देखो वी का मतलब एक्चुअली हाउ होता है हाउ वी का मतलब होता है हाउ मगर जब हम लोग हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हम लोग हाउ की जगह हो जाता है व्हाट व्हाट इज योर नंबर हाउ इज़ योर नंबर तो इंग्लिश में भी लग, सुनने में गलत लग रहा है ठीक है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि ऐसा क्यों कहते हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखना वी एस्त अब क्या आएगा दाइने आएगा कि एर आएगा ए आएगा क्यों आएगा क्योंकि ये हमारी जो है फॉर्मेल है जी हमारा हमेशा फॉर्मेल होता है जैसे अभी हमने दो इनफॉर्मल देखा इसी तरीके से ये हमारा फॉर्मेल होता है ठीक है इनको आपको ये बड़ी लेडी है आपको इनको रिस्पेक्ट करके बात करनी है वी इज ई में यहाँ पे ई आएगा हमेशा लड़की है ना यहाँ पे टेलीफोन नंबर टेली फोन नंबर ठीक है इसलिए यहाँ पे आएगा एयर वी इस इर टेलीफोन नंबर आपका टेलीफोन नंबर क्या है तो जब आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन लिखना है मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ माइने टेलीफोन नंबर इस यहाँ आप आंसर में कैसे लिख सकते हैं है? माइ ने करके ठीक है मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन फॉर्म करने हैं स्टिल फ्रागन है ना यहाँ पे फ्रागन बोला गया है एंड ट नहीं है ठीक है वी इज़ इर टेलीफोन नंबर ये थे इनके दो क्वेश्चन तो so, आपको ध्यान रखना है इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है टोबियास जो है हमारा दू से हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे बराबर का ही एक लड़का है और फ्राउ बावर जो हम है हमसे बड़ी हैं रिस्पेक्टेबल हैं इसीलिए हम लोग इनको जी के साथ बनाएंगे ये था हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल uh, था और ये है हमारा फॉर्मल ओके okay. अब बढ़ते हैं नंबर जेक्स बस पास्ट हियर बस पास्ट हीयर पासन का मतलब होता है कि क्या जाएगा इन सेंटेंस के साथ क्या जाएगा बस here here हीयर यानी कि इन टेबल इस पूरे उसमें ये फिलन द ब्लैंक्स में क्या जाएगा आपके हेल्प के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जाइन की कॉन्जुगेशन दी गई है ठीक है ये जाइन की कॉन्जुगेशन है सिंपल प्रेजेंट में और हाइजन की ओके जाइन और हाइजन हमने कई बार ही पढ़ा है आज हम लोग सिर्फ एग्जाम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इश डैश इश इश बिन और ये इश हाइज़ हाइज देखिए फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हाइस या हाइज़ आपको देखना है इश इश्क कॉन्जुगेशन की कॉन्जुगेशन किसके साथ बैठती है तो इश के साथ आता है इश हाइज इश हाइज है ना तो यहाँ पे आपको हाइज़ लिखना होगा इश हाइज यहाँ पे आप हाईज़ आएगा इश हाइज आप मैं लिख देती हूँ इश हाइज जनीना ऊंट डैश फुनसेन हाइज़ जनीना उन्ट। उन्ट। इश क्या लगाते हैं इश बिन इश बिन फुनसेन इश बिन ठीक है इश के साथ आता है बिन अब यहाँ पे आपको जाइन के फॉर्म देखनी इश बिन सर। इश बिन ठीक है इश बिन इश हाइज़ जनीना उन बिन फुनसेन मैं जनीना हूँ और पंद्रह साल की हूँ वियर sind. Ha, dekhiye, dekhiye. Yahan pe answer mein bhi aapko हाँ देखिए देखिए यहाँ पर आंसर में भी आपको मिल जाएगा नंबर Wir sind इज in der Familie wir sind here wir sind wir जो है हमारा plural है और वी के साथ यहाँ पे देखिए sind यूज़ हुआ है wir के साथ कॉन्जुगेशन हमेशा आपको कॉन्जुगेशन करनी है देखनी है ठीक है यही आंसर छुपा रहता है अगर आपने कॉन्जिकेशन बाय हार्ट की हैं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ओके वी आर जिंट फिंस इंडिया फैमिली वी आर फाइव इन द फैमिली वी आर फाइव इन द फैमिली हम घर में पांच लोग हैं अब कौन कौन है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है मुटर मुटर का आर्टिकल पहले बताइए क्या होता है डी मुटर यानी कि ये फेमिनिन है ओके okay? डी मुटर आंसर क्या होगा माइन या माई ने मुटर मेरी मम्मी ना तो कैसे बोलेंगे माइन माइने मुटर माइ ने मोटर क्यों क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ई है यही तो आपको देखना है कि लड़कियों में हमेशा एक एक्स्ट्रा ई लग ज, लग जाता है तो आ जाएगा यहाँ पे माइ ने मुटर ठीक है फाटर है तो हो जाएंगे डे फादर इसीलिए क्या हो जाएगा माइन फाटा ये यह देखिए यहाँ पे माइन सारे आंसर ऑलरेडी आपको दिए ही हुए हैं माइन फाटा कॉमा और कौन कौन है घर में श्ेश्ठ श्वेष्टर अगेन लड़की है डी श्वेष्टर तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी मायने श्वेष्टर ना बहन हो गई आपकी तो हो जाएगी मायने श्वेष्टर ओके और उसके बाद है जीवन नंबर, ब्रूडर, ब्रूडर अगेन यहाँ पे हो जाएगा आपका माइन ब्रूडर, ओके यहाँ पे हो जाएगा माइन ब्रूडर ऊंट इश, और मैं मेरे घर में पांच लोग हैं मेरी मम्मी पापा बहन भाई और मैं ठीक है कुल मिला के पांच लोग हो गए नंबर आख नंबर अख्त इज डैश श्वेष्ट अगेन यहाँ पे हो जाएगा डी श्वेस्टर तो हो जाएगा माइने श्वेस्टर राइट नंबर अख्त हो जाएगा माइने श्वेष्ट माइने श्वेष्ट और माइनेस श्वेष्ट डॉक नॉन क्लाइन नॉक क्लाइन नॉक मतलब अभी भी नॉक मतलब होता अभी भी जो है क्लाइन है छोटी है मेरी बहन जो है अभी भी छोटी है माइने श्वेष्ट अब यहाँ पे माइने श्वेष्ट जो है वो आपका आ, जी की तरह काम करेगा ना यहाँ पे एयर जी एस इस नॉक क्लाइन या शी इज स्टिल वेरी स्मॉल इज इंग्लिश में क्या बोलेंगे शी वो अभी भी छोटी है 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 मतलब होना जाइन राइट वो अभी भी छोटी है तो यहाँ पे हमारा आएगा इस्त यहाँ पे देखिए से पहले आप जी और एस भी यहीं पे आता है और यहाँ पे अगर डी श्वेस्टर है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा ठीक है श्वेस्टर भी यहीं पे आएगा इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे इस जी इस नंबर नॉ यहाँ पे आ जाएगा इस यहाँ पर भी मैं इसको लिख देती हूँ माइनस श्वेस्टर इस नॉक क्लाइन जी नंबर जी डैश एस जीबन ग्यारह और अगेन आएगा जी इस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे शी यहाँ पे जो जी है शी ना शी इज इस, इस मतलब इज शी इज जी इस एस्त इस, जीवन या अभी वो सात साल की है जीबन यानी कि सेवन नंबर टेन पे हम लोग लिखेंगे जी इस ज़ी इज जीबन या वो अभी भी जो है सात साल की है फुल स्टॉप जी अगेन क्योंकि लड़की है ना इसीलिए बार बार ही हम जी जी लगा रहे हैं पहले बता दिया गया डी श्वेस्टर बहन स्टार्टिंग में बताया गया डी श्वेस्टर ओके okay? इसीलिए यहाँ पे आप हमेशा अब जी ही यूज़ करेंगे शी शी इज सेवन ईयरस ओल्ड शी इज स्टिल स्मॉल जी इज जी इज़ अलीना देखिए यहाँ नाम इंट्रोड्यूस किया है क्या नाम है उसका अलीना जी इज़ अलना शी जी इज इस, इस आएगा जी इज नंबर एल्फ जी ओके okay. हाइस है जी हाइस भी बिल्कुल सही है जी हाइस आप दोनों लगा सकते हैं हाइस भी लिख सकते हैं जी इस अलीना क्योंकि ऑप्शन में आपको हाइजन दिया इसलिए आप हाइस लगाइए ठीक है इस भी यहाँ पे परफेक्टली फाइन है जी हाइस ऑब्लिक कर देती हूँ मैं यहाँ पे जी हाइस अलीना फिर आगे बढ़ते हैं वीय डैश इन खल वीय वोन इन खल राइट हाँ वोन ही वेरी गुड वीय वोन विया वोनन विया वोनन इन कॉल यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आया है विया के साथ वोन कर्ल कर्लन एक अगेन सिटी है जर्मनी की कर्ल बहुत ही फेमस है अपने कॉलना डोम के लिए आप इसको जाके चेक करना गूगल पे कॉलना डोम बहुत फेमस है ये बहुत ही खूबसूरत है मैंने पर्सनली विजिट किया है कॉलना डोम को तो कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा ओके okay, इसको आप ज़रूर गूगल करना हाँ कॉलना डोम तो वहाँ वहाँ जो हमारी सिटी है उसको हम कहते हैं कर्न और इसको इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक सो जी ई कलॉन इंग्लिश में इसको कलौन कहते हैं और जुम्मन में इसका जो डॉइच वर्ड है वो है खल ठीक है वी एव वन इन खल दस दास 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 द्राइसेना दास लीकड इन डॉइचल्ट दास लीकड दास लीकड दास लीकड आएगा यहाँ पे क्यों आएगा क्योंकि दास को जो हम लोग हमेशा अगेन जैसे ए आर एस होता है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो दास का भी यहीं पे स्थान होता है दास जी एस ये सब एक साथ यहीं पे आते हैं ठीक है यानी कि सिंगुलर फॉर्म है और थर्ड इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड पर्सन ठीक है हमेशा थर्ड पर्सन में ही यहाँ पे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं दास लीग्ड इन डॉयचलैंड और ये डॉयचलैंड में है यानी कि जर्मनी में है डेब्रूडर डैश माइनमूटर डेब्रूडर डैश माइनमूटर डेब्रूडर फोन माइनमूटर फोन फोन मतलब मेरी मम्मी का जो भाई है मेरी मम्मी का जो भाई है द ब्रूड ऑफ फोन माइन एमूटर द ब्रदर ऑफ फोन का मतलब होता है ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मदर माइन अंकल हंस जो कि मेरे अंकल हंस हैं अगेन यहाँ पे अंकल डेयर अंकल है इसीलिए माइन आया है ठीक है द्रूड ऑफ फॉन माइन एमूटर माइन अंकल हंस वोंट इन हमबर्क वोंट इन हमवर्क वोंट इन वोंट इन हमब हुआ अभी दोबारा से देखो अंकल हंस जो है ये क्या हो जाएंगे डेयर तो है और साथ में ये एयर भी है ही ठीक है तो ही का स्थान कहाँ है फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर ठीक है वो आपका फिर से यही कैटेगरी में जाता है एयर जी एस शी इट एयर ही सब इसी जगह पे जाएंगे इसीलिए आएगा वोंट इश वोन डू वोस्ट एयर वोंट पे आपको मैंने पहले भी स्लाइड में दिखाया था चाहे तो आप इसको बैक साइड जा सकते हैं मेरा पेन किधर चला गया इश वोन दूंस्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा एयर जी एस वोंट। ठीक है तो यहाँ पे अंकल हंस भी हमारे यहीं पे आएंगे क्योंकि ये है ही और ही क्या होता है एयर पहले मैंने आपको बताया ही शी इट तो ही आएगा हंस ये आपको बहुत ध्यान से देखना है ठीक है सिंगुलर पर्सन है कि दो के बारे में बात हो रही है यहाँ पे अभी हंस के बारे में एक 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 आदमी के बारे में बात हो रही है इसीलिए आएगा दे आर ब्रूड ऑफ वन माइन अ मूटर मेरी मम्मी के जो भाई हैं जो कि माइन अंकल हंस मेरा अंकल हंस है वोंट कॉमा है वोंट इन हम बुअग वो हम बुअग में रहते हैं ओके okay? फिर आता है वीअ डैश ऑफ्ट इन हमबुअर्ग इसका मतलब वियर वियर के साथ देखिए आप जाइन की कौन सी फॉर्म आती है वियर के साथ आती है हमारी जिंट ये देखिए वियर जिंट बट ऑबियस है कि वियर जिंट ऑफ्ट इन हमबुअ ऑफ्ट ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफ्टन ऑफ्टन मतलब कि मैं वहाँ पे काफ़ी बार जो है मैं जाता रहता हूँ वियर जिंट ऑफ्ट इन हमबुआ हम हम, हम में जो है ऑफनली जाते रहते हैं ठीक है तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट एंड टॉयच मॉड्यूल आइंस क्लास सिक्स के लिए आई होप कि आप इसके थ्रू अपनी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच